वेलकम टू देसी पटाखा। मैं हूं आराधना आपके साथ। वेल दोस्तों, बिग बॉस सीजन 14 का आगाज 27 सितंबर से हो जाएगा। 27th ऑफ सितंबर से बिग बॉस सीजन 14 शुरू होने वाला है और ऐसे में अब कलर्स चैनल पूरी तरह से लग गया है कंटेस्टेंट्स को फाइनलाइज करने में। अभी तक फाइनलाइज नहीं हुए हैं, लेकिन कौन कौन से है र्यूमर कंटेस्टेंट या जिन जिनको अप्रोच किया जा रहा है वो जरूर आउट हो गया है और इस वीडियो में आपको वही बताने वाली हूं मैं। पर अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, इस लिस्ट में जो नाम आता है वो है नागिन। जी हाँ, सीजन 4 की नागिन निया शर्मा का। निया शर्मा को अप्रोच किया गया है। पॉपुलर एक्टर, कलर्स टीवी के ही सीरियल शक्ति के पॉपुलर एक्टर हैं विवियन डिसेना, इनको भी अप्रोच किया गया है। ससुराल गेंदा फूल फेम एक्टर जय सोनी को अप्रोच किया गया है। सिंगर और फेमस कॉमेडियन सुगंधा मिश्रा को अप्रोच किया गया है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे नाम जो है वो सामने आए हैं। और टीवी एक्टर मिशेल रहेजा को अप्रोच किया गया है। आपने इनको लास्ट टाइम कुमकुम भाग्य सीरियल में देखा था। अविनाश मुखर्जी, शिरीन मीजा और पॉपुलर वीजे और रियलिटी शो जज निखिल चिनप्पा। इसके अलावा सुष्मिता सेन के भाई भाभी राजीव सेन को भी अप्रोच किया गया था। अध्ययन सुमन का भी नाम सामने आया था, लेकिन दोनों ने ही मना कर दिया था कि वो कभी भी इस शो का हिस्सा नहीं बनने वाले हैं। इसके साथ साथ सुरभि ज्योति का भी नाम सामने आ रहा है। वेल दोस्तों, ये है वो कंटेस्टेंट Who are expected to be part of Big Boss Season 14, जिनसे बातचीत चल रही है। इसमें से आप किसको देखना चाहते हैं पर्दे पर? I think निखिल चिनप्पा will be a very good entertainer if he comes to Big Boss Season 14. और सुरभि ज्योति अगर आती हैं तो no doubt Big Boss Season 14 में चार चांद लगा देंगी। आपका क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। गुड बाय गाइज़।